लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर में 8 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें प्रशासन की टीम ने ताबड़तोड़ अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया है। SDM अंशुल खरे के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने थोड़ी देर पहले असरावत खुर्द में बनाए गए नए छात्रावास में जांच के दौरान 8 नए मरीज पाए गए, जिन्हें तुरंत अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरबिंदो अस्पताल में अभी तक कुल 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। इंदौर में बढ़ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर प्रशासन के साथ साथ आम जनता भी बेहद चिंतित है। इंदौर में ये नए 8 मरीज मिलने के बाद अब शहर में कुल मरीज 83 हो गए हैं और प्रदेश में 98 से बढ़कर 106 हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देखिए, कल जो रिपोर्ट प्राप्त हुई, इसमें इंदौर मेडिकल कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से 7 पॉजिटिव आए थे और 7 जो गांधी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट थी उसमें भी पॉजिटिव थे। इनको मिलाने के बाद कुल 89 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है इंदौर जिले से और इनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी तक हम लोगों ने जो क्वारंटाइन हाउस बनाए हैं, कल जो पर स्क्रीनिंग की गई थी उसमें 350 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी और 85 लोगों को हम लोगों ने होम क्वारंटाइन किया था, 15 लोगों को इंस्टीट्यूट के क्वारंटाइन में भेजा गया था। इसके अतिरिक्त अभी तक 1500 लोगों को हम लोग क्वारंटाइन कर चुके हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।